नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स न्यूज। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मैं हूं रामनाथ विद्रोही, प्रस्तुत है अगला समाचार। कौन देगा दीपा को इंसाफ? कौन करेगा उसके हत्यारों की गिरफ्तारी? यह एक प्रश्न बना हुआ है। अब तक 16 मार्च को ही हत्या में 11 नामजद आरोपी हैं। पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर दीपा की मां विभा देवी समाहरणालय परिसर में आत्मदाह का भी प्रयास कर चुकी है। आज फिर एक बार हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड के NH 22 के पटेरा टोल ट्रैक्स पर अपने पति और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठी है। विभा देवी का कहना है कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ पर धरना पर बैठेंगे। आखिर दीपा का कसूर क्या था जो उसे पीट पीट कर हत्या कर दी गई? दीपा की मां के अनुसार इस कांड के मुख्य आरोपी का नाम पुलिस प्राथमिकी से हटा दी है। इसका दावा ग्लोबल टाइम्स तो नहीं करता है, लेकिन उनका यह दावा है कि पुलिस मुख्य अभियुक्त का नाम FIR से हटा दिया है। आखिर दीपा की मां कब तक न्याय के लिए भटकेगी? अभी दीपा की मां ने जो कहा आप खुद सुनिए। वो गिरफ्तार हुआ इस मामले में, तो उसके अलावे जो भी बचा हुआ है उस अभियुक्त का मांग कर रहे हैं आप गिरफ्तारी? जी जी। अच्छा, तो आप SP के पास आवेदन भी दिए थे, आप गए थे वहाँ, तो क्या आश्वासन मिला था आपको? हमको आश्वासन मिला था कि SP साहब गरीबों का मसीहा। मैं उनसे मिलने ऑफिस में गई, उन्होंने मुझे ही उल्टा पुल्टा बोला। अच्छा। और उन्होंने उसकी तरफ से बोलकर पैसा लेकर उसका कल होकर उसका नाम काट दिया। अच्छा। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं। नाम काट? पिंटू मिश्रा, प्रभास मिश्रा, हरिद्वार मिश्रा, उनकी तीनों की पत्नी, सुभाष मिश्रा की पत्नी, पिंटू मिश्रा की पत्नी, प्रभास मिश्रा का पत्नी, सबका नाम कटवा लिया। सुधांशु मिश्रा, सबका नाम कटवा लिया। उसके बाद वो गांव में आकर घर में रह रहा है और हम पुलिस प्रशासन से आश्वासन मांगे, आश्वासन दिया, पर आज तक कुछ नहीं किया। और उल्टा उसने उसका नाम काट कर गांव में भेज दिया। और वो 10 आदमी के साथ में आता है जाता है और मुझे धमकी देता है कि एक तो गई है, अब तुम लोगों का बाड़ी है, एक एक करके मारूंगा, एक एक को खत्म करूंगा। कौन तुम्हारा माथी देने साथ देने आएगा, देखता हूँ मैं, बुलाओ कौन है तुम्हारा साथ देने वाला, क्योंकि उसके सर पे हाथ है पुलिस प्रशासन लोग का और मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं, क्योंकि हम गरीब हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मुझसे पैसा भी मांगे होते तो मैं घर भेज कर उनको पैसा देती, लेकिन मेरी बेटी का इंसाफ तो करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उल्टा उसका नाम काट कर गाँव में भेज कर हम पर अत्याचार करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विभा देवी हुआ। पति? पति राजीव कुमार मिश्रा हुआ। गाँव? गांव अख्तियारपुर पटेड़ा। पीठ पीछे मेरा नाम काट देता है उसका और कहता है घर पे जाके उसको धमकाओ, उसको एक एक चुन कर मारो। SP गरीबों का मसीहा है, गए उसके हम मदद मांगने के लिए तो उसने उल्टा मुझे इल्जाम लगाने लगा आप झूठ बोल रही हैं, जैसे कि वो था उस टाइम पे जब मेरी बेटी का हत्या हुआ था। मिला हुआ है पुलिस प्रशासन सारा, मेरा मेरी बेटी का इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। पिंटू मिश्रा हत्यारा है, प्रभास मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, हरिद्वार मिश्रा, पिंटू मिश्रा, प्रभास मिश्रा, सब उसके पूरे फैमिली का हत्यारा है।